मैं तो ये कहूंगा कि दिया कुमारी ने एक ऐसा खेल खेला है, जयपुर राजघराना कभी भी मेवाड़ राजघराने का दोस्त नहीं रहा है। अगर आप पुराना इतिहास उठाए देखेंगे बीजेपी से नहीं रहा, ठीक है ना। तो जब इन 30 सालों में मेवाड़ महाराणा महेंद्र सिंह ने कभी नाथद द्वारा या नाथद द्वारा की जनता को आकर के इन 70 सालों में कभी पूछा क्या? तो लंबे समय तक नाथद द्वारा राजपूत बाहुल सीट रही है। यहाँ ब्राह्मणों की, राजपूतों की और आदिवासियों की करीब करीब बराबर 65-65 हजार वोटर है। देखिए, मैं नाथद्वारा में हूँ, चुनावी यात्रा पर निकला हूँ, लोगों की नब्ज टंटोलने के लिए निकला हूँ कि आखिर क्या होने वाला है। नाथद्वारा विधानसभा सीट इस बार हॉट है, इस बार चर्चा में है, और उसकी वजह है यहाँ विश्वराज सिंह मेवाड़ के मैदान में उतरने से सीपी जोशी के सामने मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है हम यहाँ जानना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं। चुनावी चौसर बिछी हुई है, कभी समीकरण बन रहे हैं, कभी बिगड़ रहे हैं, और अभी इस वक्त मैं सन्नाटी हवेली में हूँ, ये पूरा हवेली है। यहाँ कुछ बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ जन हैं, वो कैरम खेलते हुए हमें नजर आ रहे हैं, आप तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर इस बार क्या माहौल है, क्या नाथद्वारा में होने वाला है। तो मैं बहुत जी से सनाड्य, लेकिन लोग मुझे नाथद्वारा मेघदूत के नाम से जानते हैं। उसका क्या कारण है? मैंने आज के करीब 30-35 साल पहले इलेक्ट्रॉनिक शॉप लगाई थी, उस वक्त मैंने उसका नाम रखा था मेघदूत एजेंसी। अच्छा। नाथद्वारा में एक परंपरा है, शंकर नाम के अगर चार आदमी है तो ये शंकर कौन है गाहू है, ये शंकर कौन है गुल्ला है, ये शंकर कौन है फलाना, इस तरह से एक एक तकिया कलाम यहाँ जुड़ जाता है और फिर वो चलता रहता है। कितने बरस की उम्र है? मैं अभी 79 का हूँ। 79। कितने चुनाव देख लिए? मैं तो 1985 से बराबर चुनाव देख रहा हूँ, उनमें कार्यकर्ता के रूप में भी काम किया है मैंने। मैंने गिरिजा व्यास के साथ भी काम किया है, मैंने सीपी जोशी के साथ भी काम किया है, मैंने मनोहर कोठारी के साथ भी काम किया है, और मुझे राजनीति का कोई यादगार आपका पल बताओ कि वो चुनाव बड़ा यादगार पल था जो आपके जीवन से सबसे जुड़ा हुआ, जिसमें आपने जी जान लगा दी हो। नहीं, मैं तो हर चुनाव में जी जान लगाता हूँ, तो अब यादगार क्या है, मेरे लिए तो सभी यादगार है, क्योंकि मैं सभी अलग अलग मनोहर कोठारी जब एमएलए थे तब से आज तक कई एमएलए के साथ काम कर चुका हूँ, इवन मैंने तो किशन त्रिवेदी के साथ भी काम किया है, तो मेरे लिए तो करीब करीब सब यादगार बराबर। दूसरा ये है कि मैं इस विधानसभा के हर गाँव, हर सरपंच, हर पंचायतों को परिचित हूँ और उनके साथ काम करता हूँ, तो मेरे लिए तो ये सब यादगार ही यादगार है। अच्छा, नेता बनने के लिए बहुत सारे युवा पूछते हैं नेता बनने के लिए इन सारी चीजों का, आजकल लोकप्रिय नेता कम होते हैं, उसकी क्या वजह है? लोकप्रिय बन नहीं पाते, एक साल चुनाव जीतते हैं, दूसरी बार चुनाव हार जाते हैं, बन नहीं पाते हैं, उसकी क्या कमी है? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखो, नेता बनने के लिए सबसे पहले तो ये आपका डिवोशन होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, आप जिस पार्टी से जुड़े हैं उसके प्रति आपका पूरा पूरा लगाव होना चाहिए। आप एक बार इस पार्टी से टिकट ले लो, दूसरी बार किसी और पार्टी से टिकट ले लो, तीसरी बार और ट्राई कहीं और कर लो, तो फिर वो नेता नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी इंटीग्रिटी नहीं है, उसके पब्लिक में उसकी गुडविल नहीं बनेगी। लेकिन आज हम बाजार में निकलते हैं, हम दो आदमी पैर प्रमोद जब भी निकलते हैं तो लोग ये कहते हैं ये कांग्रेस जा रही है। तो आज और इवन बीजेपी के लीडर्स, आज मेरे घर संयोग से बीजेपी की महिला विंग की पूरी टीम आई, टीम आई और उन्होंने मुझे वो उनका पत्र दिया, साहब आप वोट दीजिएगा। मैंने भी हाँ कहा भाई ठीक है हम वोट देंगे, लेकिन उनमें से जो कुछ दो महिलाएं जानती थी वो कि ये तो कांग्रेस के नेता हैं, पर मैंने कहा आपका मन रखने के लिए मुझे कहना ही है, क्योंकि आप जिस प्रयास के लिए आई है, वरना आप जानते हो मैं कांग्रेसी हूँ और इतने सालों से कांग्रेसी हूँ, तो मैं बदल नहीं सकता। और दूसरी स्थिति हमारे सामने ये है कि जब हम पोलिंग बूथ पे जाते हैं तो हमें सिवाय उस हाथ के पंजे के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, हम कहाँ वोट दें? तो ये हमारी एक इंटीग्रिटी उससे जुड़ी हुई है जिसको हम बदल नहीं सकते।
अब इसलिए ये तो स्पष्ट बात है, एक नेता बनने के लिए सबसे पहले आपका डिवोशन होना चाहिए, प्लस जो लीडरशिप है उसके प्रति आपका पूरा डिवोशन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं कल का कल नेता बन जाऊंगा और कल मैं एमएलए का टिकट मांग लूं, मैं कांग्रेस ने दिया तो मैं बीएसपी में घुस जाऊं और बीएसपी मेरे को टिकट दे दे मैं नेता बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। नेता के लिए आपका डिवोशन होना चाहिए प्लस नॉलेज होना चाहिए। केवल यही नहीं है कि आप आ गए हो गया पार्टी में आ गए, हम लोग बूथ पर बैठते बैठते आज इस स्टेज पर आए हैं। आज भी हम जिसको बूथ को तैयार करते हैं उस बूथ लेवल के वर्कर को हम ये कहते हैं कि तुम्हारे सामने जो वोटर लिस्ट है उसमें देखो, मार्क करो को कौन सा घर कांग्रेस का है कौन सा घर बीजेपी का है, और उसको मार्क करने के बाद काम करो। होता है क्या कि वोट डलवाने जाते हैं, नए नए लड़के हैं, नए नए आते हैं कि साहब हम पार्टी में काम कर रहे हैं, वो जाएंगे गाड़ी उठाई किसी भी घर में घुस गए, वहां से वोट पड़ा कि नहीं पड़ा आपका कि नहीं पड़ा, अच्छा चलो। अब उनको ये पता नहीं कि जो वोट मैं डलवाने जा रहा हूँ वो बीजेपी का है या कांग्रेस का है। हो साहब मैंने 200 वोट डलवा दिए, मैंने 3, अरे पर तुमने 200 वोट डलवाए उसमें हो सकता है कि तुमने 100 वोट तो बीजेपी के डलवा दिए। तो ये आपका नॉलेज होना भी जरूरी है कि कहाँ कौन सा वोट मुझे लिए यूजफुल है और उसको मुझे डलवाना है या नहीं डलवाना है, ये नॉलेज नहीं होता है। दूसरा क्या हो रहा है आज के जमाने में, पार्टी के प्रति डिवोशन कम, पैसे के प्रति डिवोशन बढ़ गया है नौजवानों ने, खास करके पैसा कमा पार्टी में काम कर रहे हैं, हमको पैसा कितना मिलेगा क्या मिलेगा, तो फिर वो पार्टी का वर्कर नहीं बन सकता। और आज जो कुछ हो रहा है वो बहुत कुछ इसी तरह के समीकरण, आज बूथ लेवल पे हमने पन्ना प्रमुख बना लिया, इनकी एक थ्योरी बीजेपी की पन्ना प्रमुख। पन्ना प्रमुख का मतलब एक चार पेज का एक नहीं वोटर लिस्ट का एक चार पेज का एक चार नहीं दो पेज दो पेज अच्छा पन्ना एक होता है, तो इधर कितने वोट है इधर कितने वोट है वो 20 वोट जो भी है 25 वोट है वो डलाना ये हो गया पन्ना प्रमुख। अब उस पन्ना प्रमुख को भी ये पता है कि नहीं कि इसमें कांग्रेस कौन से बीजेपी कौन से, उसे कोई लेना देना नहीं, बस वोट डलवाना है हमने डलवा दिए। तो ये भी बहुत कुछ पॉलिटिक्स में ध्यान रखने वाली बात है, आप किसको वोट डलाते हैं, आपका वोट किसको जा रहा है, ये सब बातें भी नॉलेज में होनी चाहिए। इस बार नाथद्वारा में क्या स्थिति है? देखिए नाथद्वारा के समीकरण अगर आप समझो तो लंबे समय तक नाथद्वारा राजपूत बाहुल सीट रही है, यहाँ ब्राह्मणों की राजपूतों की और आदिवासियों की करीब करीब बराबर 65,000 वोटर है, दूसरी कास्ट अलग है ठीक है। इसी तरह से जैन समाज की जहाँ बात आती है तो तेरहपंथी समाज एक ऐसा समाज है जो बहुत टाइम तक कांग्रेस से जुड़ा रहा, बारहपंथी समाज एक ऐसा समाज है जो बहुत समय तक बीजेपी से ही जुड़ा रहा। अब उसमें कितना डाइवर्शन अब हुआ है या नहीं हुआ है ये एक नॉलेज जानने की बात है, जो चुनाव लड़ता है उसको इस पर पूरा ध्यान देने की बात है। तो अब क्या हो रहा है कि खास करके अब मैं नाथद्वारा की उस बात पर आ जाता हूँ कि महाराज साहब को क्यों खड़ा किया गया। नहीं, हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि समीकरण इस बार क्या है, जैसे आपने 65,000 का वोट का हुआ तो 65,000 की बात करें तो राजपूत हैं, तो अब राजपूत की हम बात करें तो राजपूतों को ये बताया जा रहा है कि भाई अगर श्रीनाथ जी आज अगर हैं तो मेवाड़ राजवंश की वजह से हैं, मेवाड़ राजघराने की वजह से हैं, और आप अगर सनातन को बचाना चाहते हैं या आप अगर महाराणा प्रताप ने जो लड़ाई लड़ी है उसके संघर्ष को याद दिलाना चाहते थे, एक बार विश्वराज सिंह जी को चुनाव लड़ाए, तो क्या इससे इस वजह से जो राजपूतों के वोट है वो डाइवर्ट होंगे? देखिए राजपूत में भी यहाँ दो तरह के राजपूत हैं, एक जिनको उजला राजपूत कहते हैं, वो उजले राजपूत वो हैं जो पुराने राजघरानों से जुड़े हुए, जैसे फलाना रावला टीम का रावला टीम का रावला, ऐसे चार पांच जो बड़े बड़े रावले थे जिनका उदयपुर महाराणा के यहाँ आना जाना, 16-32 उमराओं में जिनकी गिनती होना, एक तो वो है। एक दूसरा राजपूत है खरवड़ चंदाना, जो राजपूत तो हैं लेकिन सब खेतियर, तो खेतियर राजपूतों में डाइवर्शन हो सकता है, जरूरी नहीं कि सब राजपूत वोट उनको मिले। प्लस राजपूतों में भी हर पार्टी में देखिए राजपूत भी है ब्राह्मण भी है और दूसरे कास्ट के लोग भी हैं,
जरूरी नहीं है कि सभी राजपूत उनको मिल जाए, लेकिन ये एक खेल खेला गया क्योंकि ये राजपूत बहुत सीट मानी जाती है, राजपूत यहाँ बहुतायत में है, इसलिए दिया कुमारी ने, मैं तो ये कहूंगा कि दिया कुमारी ने एक ऐसा खेल खेला है। जयपुर राजघराना कभी भी मेवाड़ राजघराने का दोस्त नहीं रहा है, अगर आप पुराना इतिहास उठाए देखेंगे तो एक प्रकार से मेवाड़ राजघराने में जाकर के उनसे बातचीत करके इन महाराणाओं को उठा के लाना, ये भी हो सकता है कि दिया कुमारी का एक षड्यंत्र हो, मैं इसको इस रूप में भी देखता हूँ। दूसरा, महेंद्र सिंह मेवाड़ दो बार रहे, सांसद रहे, सांसद रहने के बाद जब वो एक बार कांग्रेस से रहे, एक बार बीजेपी से रहे, दोनों बीजेपी से नहीं रहे, ठीक है ना। तो जब इन 30 सालों में मेवाड़ महाराणा महेंद्र सिंह ने कभी नाथद द्वारा या नाथद द्वारा की जनता को आकर के इन 70 सालों में कभी पूछा क्या? कहने को तो आप ये कहते हो कि नहीं साहब हमारे अन्नदाता है, हमारे नाथद्वारा में, अच्छा तुमने नाथद्वारा में किया, लेकिन आज आप खेडाना में चले जाओ, आप दुर्ला में चले जाओ, आप और किसी ग्रामीण स्तर में चले जाओ, वो जानते ही नहीं महाराणा कौन थे। महाराणा प्रताप का नाम जरूर, महाराणा प्रताप तो पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन उसके नाम को केस करके आप ही को साहब ये हमारे प्रताप के वंशज है, उससे क्या होने वाला है। अपने राजघराना जब तक आपकी राजशाही थी तब तक आपका डंका बोलता था, इसमें कोई डोर आए नहीं, लेकिन जब राजशाही खत्म हो गई तो आपने कब आके किसको संभाला, कब आके किसी गांव में जाके ये कहा भाई हम आपके साथ हैं, केवल इसलिए चुनाव में लड़ गए और उनके वो टोला लेके बीजेपी उनको लेके घूमता रहा है। आज बीजेपी की लीडरशिप की बात करें, कल्याण सिंह यहाँ 10 साल विधायक रहा, कल्याण सिंह कहाँ से आया, उसका बेसिक कहाँ से शुरू हुई, वो बेसिक कांग्रेस में था, कांग्रेस से ही, कांग्रेस ने ही उसको लीडर बनाया, कांग्रेस ने ही उसको प्रधान बनाया, और कांग्रेस से निकल के वो किसी कारणवश जब बीजेपी में गया तो बीजेपी की लीडरशिप हुई। दूसरा ये इल्जाम कि सीपी साहब किसी को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, महेश प्रताप सिंह जो गए टाइम चुनाव लड़ा वो कहाँ से गए, वो भी कांग्रेस में थे, कांग्रेस से गए और फिर बाद में सीपी साहब के सामने ही उन्होंने चुनाव लड़ा। तो बीजेपी के पास लीडरशिप नहीं है यहाँ, और नहीं है इसीलिए ये वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए कभी दिया कुमारी को ला कर खड़ा कर दोगे, कभी आप कहीं से ला के किराए की कोक कितने दिन तक चलाओगे आप। क्या लग रहा है इस बार आपको कि क्या है, क्या रहने वाला है, कैसा अभी कैसा चुनावी माहौल है? अभी तो माहौल ही है बराबरी की टक्कर लग रही दोनों बराबर। इस बार विश्वराज सिंह जी मैदान में है तो लोगों का ये कहना है कि इस बार सीपी जोशी के सामने कड़ी टक्कर होने वाली है, तो क्या आपको क्या लग रहा है? कड़ी टक्कर होने वाली बरोबर है, बराबर है। तो क्या सीपी जोशी की मुसीबतें हैं या मुसीबतें तो नहीं है, नहीं महाराणा की मुसीबतें कह नहीं सकते कौन जीतेगा। अच्छा, क्या इस बार विकास वर्सेज मेवाड़ या सनातन या हम कह सकते हैं महाराणा प्रताप को आगे करके लोग वोट मांगे जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, दूसरी तरफ कांग्रेस जो है विकास के नाम पर वोट मांग रही है, तो इस बार आपको क्या लगता है कि विकास भारी पड़ेगा या फिर राजवंश जो मेवाड़ राजघराने के विश्वराज सिंह जी जो है वो भारी पड़ेगा? सीपी साहब ने बहुत विकास किए और महाराणा भी ने भी बहुत सहयोग किया मंदिर का, तो इसलिए बरोबर की टक्कर रहेगी। आपको क्या लगता है? देखिए उदयपुर अपडेट्स वालों का मैं हार्दिक अभिनंदन, नाथद्वारा मंदिर के शहर धार्मिक स्थल आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं तब आप देख रहे हैं कि हम अरेंज किए हुए नहीं है और हमारा जो डेली का शेड्यूल है उस तरह से हम बैठते हैं यहाँ पर और सारे सीनियर सिटीजन है हो जाते हैं आप? हाँ, डेली हमारा रूटीन है और पब्लिक के टचमेंट में रहते हैं मार्केट में। आज हालात ये देश फील्ड से जुड़े हुए ये सारे समाज के अध्यक्ष हैं हमारे, रजनीकांत जी भाई साहब सन्नाटे समाज के, मैं गुजर समाज से हूँ, सुरेश जी जो मचीन के सरपंच साहब और इनका क्राइटेरिया है वहाँ वे गुजर कास्ट से है, रमेश जी मेघदूत है हमारे सन्नाटे साहब, हमारे कांग्रेस के लीडरशिप में है और बहुत हमारे गाइड करने वाले दिलीप जय भाई साहब है हमारे सन्नाटे, हेमंत जी पधारे हैं, हमारा बहुत सनातन धर्म क्या है उसको बोल देते हैं। जब 93 में
किशन त्रिवेदी चुनाव लड़े थे उस टाइम उनके लेफ्ट हैंड थे ये करता धरता थे, तो इनका भी मैं शहर में स्वागत करता हूँ कि आप अच्छे लोग के साथ हमसे मिलना हुआ है, माध्यम अच्छे रहे, ये हमारा सौभाग्य सौभाग्य सर। अब देखिए नादवरा धार्मिक नगरी है और मेवाड़ शक्ति और भक्ति का केंद्र है। एक तरफ एकलिंगनाथ है, सांवरिया जी है, श्रीनाथ जी मंदिर है, चार भुजा जी हैं। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, सनातन धर्म किसको कहते हैं, तो हम लोग सनातन धर्म धर्म में स्वतः ही हैं, चाहे हम कांग्रेसी हैं। मैं यहाँ से चार बार कांग्रेस की पार्षद हूँ, नेता प्रतिपक्ष भी रहा, वर्तमान में नगर पालिका में पार्षद भी हूँ। कहने का मतलब ये कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के नादवरा पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास नेता विहीन पार्टी हो गई थी। दिया कुमारी जी ने जो सांसद रही हैं और वर्तमान में अभी तक है, तो नेता विहीन जब इस कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी उनको नजर आई सांसद रहते हुए, तो उन्होंने एक दरबार दरबार को जो है महाराणी जी के उदयपुर से, या उन्होंने उनका उपयोगिता के दरबार को यहाँ उतारा जाए, तो ये लोग धर्म को भी उतार सकते हैं और भुनाने के लिए हमारे जो दरबार है राणा जी हैं उनका भी उपयोग किया जा रहा है, या उपयोग किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। एक सीधा आदमी है और अच्छा हमारे मेवाड़ के संकेत है, जिस उदयपुर शहर से मोहनलाल सुखाड़िया जी ने विगत 14 साल तक मुख्यमंत्री पद रहते हुए उदयपुर का नाम रोशन किया था, उनके शिष्य तो है सीपी जोशी जी, उन्हों के द्वारा नादवरा में इनको उतारा गया और 45 साल से नादवरा को संभाल रहे हैं। अब दरबार जी को दिया भाई लाई है, 30 दिन में क्या चुनाव लड़ेंगे, उनका 45 साल का सेवा कार्य नादवरा में, ये 30 दिन में क्या करेंगे। एक उपयोगिता उनकी, खाली उपयोगिता है ना यूज का, मैं इसको मानता हूँ। आप कह रहे हैं कि सीधे साधा है, सरल है, तो सरल है सीधे साधे हैं, इसके बिहाव पर भी तो वोट मिलेंगे, उनकी जो सौम्य स्वभि है, सौम्य छवि है, उसका भी तो उनको फायदा मिलेगा। सरल स्वभाव का होना एक अलग बात है, तो एक राजनीति में लॉन्ग जर्नी किया हुआ आदमी है सामने और ये 30 दिन की जर्नी में आए, और सरल स्वभाव के व्यक्ति है तो राजनीति में तो पब्लिक परिपक्व देखती है कि 18 साल का बच्चा हुआ कि नहीं वोट देने लायक, 21 साल का हुआ कि नहीं शादी के लिए, तो राजनीति में तो सरल स्वभाव क्या परिपक्व भी होना चाहिए ना, ऐसा कैंडिडेट देना चाहिए। महेंद्र सिंह जी मेवाड़ सांसद रहे हुए हैं, 2 बार चुनाव लड़ा है, तो परिपक्वता तो पिताजी से आई हुई होगी। देखो भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद को उतारते हैं, है ना, कांग्रेस में भी तो होता है, कांग्रेस में कम होता है, कांग्रेस में भी है लेकिन कम है, ये लोग ज्यादा इसको प्रयोग करते हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी नादवारा में नेतृत्वहीन है या उनका कोई नेता नहीं है, कहा जाता है कि यहाँ की सीपी जोशी साहब किसी भी बीजेपी के नेताओं को या किसी को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं, वो खत्म कर देते हैं, ऐसा आरोप लगते हैं। बीजेपी के नेताओं को आगे नहीं बढ़ने देता, बीजेपी तो खुद ही यहाँ पर वन बाई वन आते हैं, पर सीपी साहब ने 40 साल तक यहाँ पर काम किया है, तो बीजेपी का तो कार्यकाल कम ही रहा उनके सामने, कांग्रेस के नेतृत्व किया सीपी साहब ने, ज्यादा टाइम लिया उन्होंने। एक आरोप ये भी लगते हैं कि नादवरा को ज्यादा दिया है बनिस्पत राजसमंद के, तो राजसमंद की जनता भी थोड़ी उनको ये कि भाई सब कुछ नादवरा में ले जाया जाता है, सब कुछ नादवरा को मिल जाता है, जबकि नेता तो अगर आप नेतृत्व की बात करें, नेता की बात कर रहे हैं, तो नेता तो पूरे जिले का प्रतिनिधित्व करता है ना, तो सीपी जोशी साहब को ये सोचना चाहिए कि भाई राजसमंद की जनता के साथ में भी उतना ही निष्पक्षता रखनी चाहिए जितना नादवरा के साथ में। तो क्या उनकी ये सीट है इस वजह से वो ये सोचते हैं, या फिर कोई उनका नजर, सीपी साहब ने केंद्र तक भी गए, उनका प्रभाव एआईसीसी में भी है, राजस्थान में मंत्रिमंडलों में भी रहे, वो सीनियर है और दूरदृष्टि रखते हैं। राजसमंद जिला तो सीपी साहब के हिसाब से जाना जाता है कि राजसमंद के नेता कौन है जिला के, और वो दूरदृष्टि के,
दूरदृष्टि कैसे है उसका क्लियरिफिकेशन या आम सभा जो नामांकन के दिन सीएम गहलोत जी पधारे थे तो उसका आपको उदाहरण दे देता हूँ। अशोक गहलोत जी ने खुद ने कहा है कि राजसम नाथद्वारा को जिला बनाया जाएगा, तो पब्लिक को बहुत गहराई से देखना पड़ेगा कि राजसमंद की जगह नाथद्वारा कैसे होगा। तो जिला तो बनने से रहा, उसके पीछे एक लॉजिक है कि जिला राजसमंद को राजसमंद शब्द हटा के जिला नाथद्वारा करने का अशोक गहलोत जी का ऐसा प्रतीत होता है, उन्होंने खुद नामांकन के दिन डिक्लेयर किया है। तो राजसमंद और नाथद्वारा मिलके नगर परिषद है, राजसमंद नगर निगम हो जाए, जैसे कि उदयपुर का है। सी बी साहब ने उदयपुर में भी अपनी लीडरशिप बचपन से ही की है, तो दूरदृष्टि हुई है ये, तो उसको क्लियरिफिकेशन अशोक गहलोत जी ने किया है। तो राजसमंद और नाथद्वारा डिस्प्यूट कैसे, तो दूरदृष्टि से डेवलपमेंट में लगे हुए। नाथद्वारा में क्या ऐसा विकास जो अभी तक हो नहीं पाया आपकी नजर में, अभी तो कुछ कमी है जो पूर्ति होनी चाहिए। हम आते हैं यहाँ, देखते हैं, गलियों में घूमते हैं तो ट्रैफिक की बहुत समस्या है, ये निजात मतलब ट्रैफिक की है, या ऐसा कुछ कोई काम है जो अभी बाकी छूट गया। तो नाथद्वारा में देखिए बोटल नेक जो गलियाँ हैं, बोटल नेक जो रास्ते हैं, उन पे मंदिर विस्तार योजना में काम हो रहा है। बहुत कुछ तो हो चुका है और बहुत कुछ होंगे, चाहे सी पी साहब रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन जो हाईकोर्ट में जो सेंक्शन ले रखी है मंदिर विस्तार में, वो काम ने से टेम्पल बोर्ड राज्य सरकार करेगी कोई भी हो, ये दूरदृष्टि है सी पी साहब। भाऊ जी इस बार क्या लग रहा है, मैं तो नाथद्वारा से थोड़ा सा ऊपर आता हूँ, क्योंकि नाथद्वारा की बात तो अमूमन जो मोटे मोटे तौर पर भाई साहब श्री ने बता दी है, आप बुजुर्ग हैं। राजस्थान में इस बार क्या लग रहा है, किसकी सरकार बने? लगता है कि कांग्रेस सरकार रिपीट होने जाएगी, रिपीट होने जाएगी। लोग तो कह रहे हैं कि भाई इनकी जो रेवड़िया बांटने की जो परंपरा है उससे नाराज की है। किसको कहते हैं रेवड़िया है, उसको कहते हैं जो घोषणाएं कर दे और उसके बाद में कोई इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं। जबकि अशोक गहलोत ने तो इस टेन्योर में, मैं पीछे नहीं जाता हूँ, और पिछले जो 5 साल निकले हैं उसमें अशोक गहलोत ने जितने भी कार्य करवाए और जितनी घोषणाएं की उनके इम्प्लीमेंटेशन कर दिए, और कुछ घोषणाएं जो इलेक्शन आचार संहिता के बाद में जो मैनिफेस्टो होता है तो उसके लिए प्रतिबंध गारंटी है भाई, अब ये 5, 7, 8, 10 काम जो है हमने जो हाथ में लिए हैं वो हम जैसे ही विधानसभा बनेगी बनते ही बैठते हैं सर्वप्रथम कार्य विधानसभा हो तो उससे नहीं सब पहला कार्य ये होगा कि ये 7, 8, 10 कार्य सब स्वीकृत हो गए और आगे बढ़ेंगे। लेकिन लोगों का तो ये कहना है कि अगर सीएम अशोक गहलोत वापस दोबारा आते हैं तो जो राजकोष है जो खजाना है वो खाली हो जाएगा, वापस लुटा दिए जाएंगे। नहीं, राज खजाना तो लूटने के जनता के लिए ही तो खजाना, जनता के लिए तो ऐसा काम हो जैसे मोबाइल योजना है, इससे जो विपक्ष का ये कहना है या आम लोगों का ये कहना है कि जो मोबाइल योजना है ये जो योजना है जिसको अनावश्यक मसाला योजना है, ये टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी का उपयोग आज के युग में बहुत जरूरी हो गया है। साधारण से साधारण महिला जो अनपढ़ है उसको भी उस टेक्नोलॉजी की आज की तारीख में उपयोगिता होनी चाहिए। अब जैसे केंद्र सरकार ने नियम निकाल दिया कि बैंकों में ये होना चाहिए, अब बैंकों में सब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो गया, बिना मोबाइल के आपका बैंकिंग चल ही नहीं सकता, नहीं चलता है। आधार बैंक और मोबाइल दोनों बैंक के हिसाब से सही है मोबाइल, ये बिल्कुल महिलाओं को भी कम से कम आगे आने का चांस तो मिलेगा ना, अगर कोई मोबाइल चलाना सीखेगी तो आगे बढ़ेगी ना, उसको ज्ञान होगा ना आज का युग कहाँ जा रहा है। लेकिन वो गलत चीजें भी तो उसके साथ में जो दुरुपयोग है, ये तो समाज में अगर ये मोबाइल नहीं था उससे पहले भी थी, अच्छा पहलू है तो दूसरे गलत पहलू भी है, उन पहलुओं को देखते हुए अगर ये सोच के बैठ जाए आदमी कि भाई ये तो गलत है इसके इफेक्ट्स होंगे समाज में, बुराइयां पैदा हो जाएगी, तो पुराने जमाने में जो मैं तो कहता हूँ राजा महाराजाओं के टाइम पे भी तो ऐसी बातें होती थी ना, दो तबके बन जाते थे, उनमें उनको मिटाना, उनके ऊपर कंट्रोल करना, तो आदमी का ज्ञान जब तक बढ़ेगा नहीं तब तक उसके बुराइयों को आदमी अपने आप से दूर नहीं करेगा। एक नाम ये चल रहा है कि हर बार चलता है जब भी चुनाव आते हैं कि भाई इस बार सीपी जोशी साहब भी मुख्यमंत्री की रेस में है, इस बार भी हैं,
अशोक गहलोत वर्सेज सीपी जोशी, अगर सीपी जोशी साहब को अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाए आपके, ये तो एमएलए वहाँ जीतने के बाद में अपने आपस में विचार विमर्श करके और अपना लीडर चुनते हैं, प्रजातंत्र है। हम यहाँ 10 आदमी बैठे हैं, हमारे लीडर कौन हो? आज हम ये सोचते हैं कि हमारे ये बुजुर्ग आदमी, इनके नेतृत्व में हम रहे, लेकिन 10 आदमियों के बैठने के बाद में ये पता लगेगा कि नहीं, हमारे तो प्रमोद जी होने चाहिए। आपके हिसाब से कौन? आप नहीं प्रमोद जी को रखेंगे इसको? आपकी पसंद? अगर मैं नादौरा का विधायक मुख्यमंत्री बनता तो पहली पसंद हो गया आदमी की, और नहीं बनता है और उसको अच्छी कोई पोस्ट मिलती है, जैसे पहले विधानसभा अध्यक्ष रहे, उससे पहले केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहे, राजस्थान में कैबिनेट मंत्री रहे, और जब जब भी वो कैबिनेट मंत्री रहे, राजसमंद और नादौरा के लिए उन्होंने व्यक्ति से कई प्रकार के कार्य करवाए, जैसे नादौरा आज जिस स्थिति में है पेयजल के मामले में, नादवारा आज हर जगह आ गए, चिकित्सा सुविधाएं अच्छी हो गई, सड़क सुविधाएं अच्छी है, और पशु चिकित्सालय, अपने मेडिकल कॉलेज, इन सब के यहाँ उद्घाटन करवा दिए, काम चालू होने की स्थिति में है, बजट पास है, स्वीकृत है, तो फिर कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। हम तो ये सोचते हैं कि सीएम नहीं है, उसके बावजूद भी जब इतने कार्य हो रहे हैं तो हमें सीएम की कहा, हमारे तो ये ठीक है जैसे हैं वैसे ठीक है, चल रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहे हैं। कैरम आप खेलते हैं, तब सबसे अच्छा प्लेयर कौन है यहाँ अपने यहाँ आपके हिसाब से? अभी तो हम सब क्या है कि कौन अच्छा खेलता है? नहीं सुनिए, हम सब क्या है कि जब थे ऑफिसों में, जब कार्य करते थे, तब ये रोज नियमित खेलते थे, और पिछले 15-20-25 साल से इस खेल को छोड़ रखा था। अभी 5-10-20 दिन पहले ही हमारे रजनीकांत जी सरपंच साहब ने हम सबको कहा, यार यहाँ बाहर बैठते हैं अपन, तो उसे बैठे अपन अंदर बैठे हैं, और 15-20 दिन ही हुए इसको? हाँ ये 15-20 दिन, ज्यादा नहीं हुआ है, और अंदर बैठे हैं और इसको खेलें, और खेलते हुए बैठे हुए साथ में बैठे, राजनीति की चर्चा होती होगी? बिल्कुल चर्चा होती, चर्चा हर पहलू की होती। मेवाड़ में क्या लग रहा है आपको? मेवाड़ मुझे तो कांग्रेस लग रही है पूरे मेवाड़ में। पूरे मेवाड़ में तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ फिर भी बहुमत में कांग्रेस रहेगी। बहुजी से जानते हैं, बहुजी आपका नाम बताएं।